रणवीर सूद। मशहूर सिंगर सोनम महापात्रा खूबसूरत आवाज और बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार वो अपने बयान को लेकर नहीं बल्कि अपने गाने को लेकर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल सोनम को अपने एल्बम तोरी सूरत के लिए एक सूफी फाउंडेशन की ओर से धमकियां मिली हैं। इस सूफी ग्रुप को सोनम का एल्बम में छोटे कपड़े पहनकर गाना रास नहीं आया है, जिसके लिए सोनम को धमकी भरे ईमेल मिले हैं कि वो इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म से जल्द हटा ले। जिसके बाद सोनम ने मुंबई पुलिस से मदद मांगते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इन ट्वीट का रिप्लाई करते हुए पुलिस ने उनका नंबर मांगा और पूरी तरह से हेल्प करने का भरोसा जताया। वहीं इस मामले में राइटर जावेद अख्तर भी सोनम के सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में पुरानी सोच वाले संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा है, मैं कड़े शब्दों में उन संगठनों की निंदा करता हूं जो अमीर खुसरो के गीत पर म्यूजिक वीडियो बनाने को लेकर सिंगर सोनम महापात्रा को धमकी दे रहे हैं। इन मुल्लाओं को यह पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो का संबंध सभी भारतीय से है, वह किसी अकेले की जागीर नहीं है। बता दें, सोनम के एल्बम तोरी सूरत में अमीर खुसरो का निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखा एक गीत गाया है, लेकिन मदारिया सूफी फाउंडेशन का कहना है कि सोनम ने सूफी कला को पेश करने के बनाए रूल्स को तोड़ा है। वेल, अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और सोनम का ये एल्बम रिलीज होता है या नहीं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।